First Choice Kids Wear धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टरी आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के जोगेश्वरी में दो होर्डिंग के बीच में एक व्यक्ति का शव लटकता हुआ मिला है। हालांकि अमोली पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की है। दरअसल जोगेश्वरी के मोमिन नगर फ्लाईओवर के पास दो बड़े होर्डिंग के बीच में लोगों को एक शव लटकता हुआ दिखाई दिया और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया। बताया जा रहा है कि ये शव करीब 2 दिन से इस होर्डिंग के बीच में लटक रहा था। स्थानीय लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, मगर उन्हें काफ़ी बदबू आ रही थी। किसी की नज़र होर्डिंग के बीच में पड़ी तो वहां एक व्यक्ति का शव लटकता हुआ दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक प्राथमिकी दृष्टि से आत्महत्या का मामला लग रहा है और अम्बोली पुलिस ने ADR के तहत मामला दर्ज किया है और अभी तक इस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है कि आखिर ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, इसका क्या नाम है। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।